हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरफ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आपके समक्ष आ गई हूँ। आप ही रेडी हो जाइए आज का प्रैक्टिस लगाने के लिए। यह सीरीज है खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी दर्शन शास्त्र आते हैं एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान से आपके क्वेश्चन 100% आते हैं, हर बार आते हैं और इसके क्वेश्चन की भरमार रहती है। इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए कि कहीं भी आप अटके ना। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT, UPLT ग्रेड, मध्य प्रदेश खेल शिक्षक वर्ग 2-3 हो, चाहे बिहार खेल शिक्षक TGT या स्टेट जो आया है, चाहे आप अदर स्टेट की TGT PGT का प्रिपरेशन कर रहे हों, KBS NBS UGC नेट, तो सभी के लिए मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यह है यूथ कंपटीशन का प्रिपरेशन यानी प्रैक्टिस हो रहा है, जिसमें से सारे शिक्षा का इतिहास और खेल संस्थाएं, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी यानी खेल समाजशास्त्र हो गया है, ये खेल मनोविज्ञान का दूसरा वीडियो है एंड एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे UGC नेट हो, UPLT ग्रेड, हर एक प्रकार के आए हुए क्वेश्चन के आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर रहे हैं कठिन से कठिन लेवल का, तो इसलिए आप डेली बेसिस से बने रहिए। इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी एग्जाम आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे लगे रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको महान बना सकती है। लगातार करने से करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर करत निशान। उस रस्सी में क्या ताकत होती है, लेकिन लगातार घिसते घिसते वो पत्थर पे भी निशान बना सकती है। तो आप लगातार करने से क्या नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों, मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने का 4 विधियाँ बताया गया है खेल मनोविज्ञान में। जैसे कि एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे कालक्रम आयु कहते हैं, जिसमें जन्म से लेकर वर्षों, महीनों, दिनों में ज्ञात किया जाता है, जिसे कैलेंडर आयु, स्कूल तथा मार्कशीट आयु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप सब लोग उपयोग करते हैं। एंड दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज यानी शरीर रचना आयु, जिसमें अस्थियों और दांतों की गणना करके आयु ज्ञात किया जाता है, जैसे दांतों की गणना करके स्केपुला अस्थि के आधार पर। यानी दोस्तों, एक होता है दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग इससे हड्डी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए दाहिने हाथ की रेडियल बोन को एक्सरेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन में मैं 8-10 क्वेश्चंस आपको बता दे रही हूँ, इसलिए इसे फ्री में सब कुछ आपको मिल रहा है, इतना आपको पैसा से भी कोई प्रोवाइड नहीं कराता है। तीसरा है आपका आयु ज्ञात करने की दैहिक यानी कि फिजियोलॉजिकल एज, जिसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में, उससे ज्ञात किया जाता है। एंड चौथा होता है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, इसमें बालकों से उसकी आयु के अनुसार कार्यों की अपेक्षा की जाती है, यानी कि मानसिक आयु बुद्धि से संबंधित एक अवधारणा है। मानसिक आयु बुद्धि से संबंधित एक अवधारणा है, यह उस विशिष्ट व्यक्ति की वास्तविक कालक्रमिक आयु यानी जन्म के बाद का समय के लिए औसत बौद्धिक प्रदर्शन की तुलना में एक विशिष्ट आयु विशिष्ट रूप से बौद्धिक प्रदर्शन करता है। जैसे कि दोस्तों, मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु गुणे 100, मानसिक यानी MA/CA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। तो इसमें क्या किया जाता है, ये मान लीजिए किसी बच्चे का वास्तविक या कालक्रमिक आयु 6 वर्ष है और वह 8 वर्ष की बुद्धि परीक्षण में सफल हो जाता है, यानी 6 वर्ष उसका कालक्रमिक या वास्तविक आयु है और 8 वर्ष की बुद्धि परीक्षण में सफल हो रहा है, यानी कि वह एक जीनियस बच्चा है। अगर बच्चे का आयु 6 वर्ष है वो 4 वर्ष की बुद्धि परीक्षण में सफल होता है, मतलब कि बच्चे का बुद्धि औसत है, कम है, इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एंड बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है टर्मन ने,
एम ए बटा सी ए गुणे सौ, ठीक याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में नैतिक निपुणता लाने का साधन माना है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको माना है प्लेटो ने, जिसे आदर्शवाद आइडियोलिज्म का पितामह कहा जाता है। यानी कि प्राचीन ग्रीस में यूनानी दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। ये सभी ग्रीक दार्शनिकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने साहित्य शिक्षा को युवाओं में नैतिक निपुणता लाने का साधन माना है और ये आदर्शवाद के जनक हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? तो याद रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक मनोव्यवहार पर काम करता है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आपको गलत नहीं करना है। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का। जैसे कि आप जानते हैं, मनोविज्ञान ग्रीक शब्द के साइकोलॉजी यानी साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन। यानी मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा कहा गया, फिर उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया और अब इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब यहाँ पे पूछा है कि एक मनोविज्ञानिक किस पर काम करता है? तो मानव के व्यवहार पर काम करता है। यानी एक मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार पर काम करता है। मानव व्यवहार किसी व्यक्ति के विभिन्न दशाओं में भौतिक क्रियाकलाप और प्रेक्षणीय भावनात्मक दशाओं के समूह को कहते हैं, अथवा यह मानव जाति के विविध व्यवहार के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त शब्दावली भी है। तो ये बुक की भाषा तो है ही, मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप सबको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल ही जीवन है का सिद्धांत दिया, खेल ही जीवन है, प्लेज लाइफ थ्योरी किसने दिया है? दोस्तों प्लेज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने। किसने दिया है? जॉन डीवी ने। खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया। यह एक नवीनतम धारणा है जो कि जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। वह क्रिया को जीवन का केंद्र मानते हैं और खेल क्रिया पर आधारित है। दोस्तों जैसे कि खेल जीवन है धारणा, इसके अलावा बहुत सारे खेल के सैद्धांतिक धारणाएं हैं, जैसे कि अतिरिक्त शक्ति, अविशेष ऊर्जा जिसे थ्योरी ऑफ सरपल्स एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, भविष्यदर्शी धारणा, पूर्वानुमानित धारणा, पूर्वाभ्यास या तत्परता के नाम से एंटीसिपेटरी थ्योरी को दिया है कार्ल ग्रूस ने, मनोरंजनात्मक धारणा यानी रिकेशनल थ्योरी दिया है लॉर्ड केम्स तथा जी डब्ल्यू पैट्रिक ने, एंड पुनः अवलोकन, पुनर्कथन, पुनरावृत्ति की धारा रिकैपिचुलेटरी थ्योरी दिया है जी स्टैनली हॉल ने, जिसे पूर्व अनुभवों को पुनः अनुभव करना होता है, एंड मनोविश्लेषण धारा या साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायड ने, रेचन विरेचन धारा कैथलेटिक थ्योरी दिया है अरस्तु ने, सामाजिक धारा सोशल थ्योरी दिया है अरस्तु ने, खेल ही जीवन है धारा प्लेज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने, संज्ञानात्मक धारा कॉग्निटिव थ्योरी दिया है जीन पियाजे ने, सहज प्रवृत्ति धारा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। एंड दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, समयावधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो समयावधि की धारणा को प्रतिपादित किया था वर्ष 1960 के दौरान रूस के लियो मेटवेएव ने। इससे जिसके व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या तलाशना है? तो आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है सत्य, सुंदरता और अच्छाई, जिसमें से सत्य से तात्पर्य है बौद्धिक मूल्य या सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। यानी कि आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है। यानी कि दोस्तों जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आदर्शवाद किस पर आधारित है, तो विचारों पर, आइडिया पर, इसलिए इसको आइडियोलॉजी बोला जाता है। इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो। यानी आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है,
सत्यम शिवम एवं सुंदरम शाश्वत मूल्य होते हैं। सत्य एक बौद्धिक मूल्य है, शिवम एक नैतिक मूल्य है और सुंदरम एक सौंदर्य बोधक मूल्य है। तो तीनों का अर्थ जान लीजिए, सत्य शिवम असुंदरम। सत्य मतलब बौद्धिक मूल्य, शिवम मतलब नैतिक मूल्य, सुंदरतम मतलब सौंदर्य बोधक मूल्य। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों, सत्यता, सुंदरता तथा कल्याण की अनुभूति है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना निम्न में से किसका लक्ष्य है? तो सही ऑप्शन आप टिक कर दिए होंगे, यह है आदर्शवाद आइडियोलिज्म का लक्ष्य है। किसका है? आदर्शवाद आइडियोलिज्म का लक्ष्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से क्या है? वह एक निर्देशदाता है, वह एक गति शिक्षक है, वह एक अभ्यास मास्टर है। यानी कि सभी ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे व्याख्या दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक निर्देशदाता, एक इंस्ट्रक्टर है, एक गति शिक्षक यानी कि मूवमेंट एजुकेशन है, एजुकेटर है, एंड एक अभ्यास मास्टर है जिससे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इन्हेंस करने में मदद मिलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो आप सही उत्तर टिक कर दिए होंगे, सिगमंड फ्रायड। यानी कि मनोविश्लेषण की चिकित्सा को सिगमंड फ्रायड ने विकसित किया। इन्हें मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्व तथा मानसिक व्यतिक्रम के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छुपे रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द साइकोलॉजी कहाँ से आया है? तो दोस्तों, यह साइकोलॉजी एक ग्रीक यानी यूनानी शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी एंड लोगस से मिलकर बना है। साइकी का शब्द अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? तो 18वीं सदी के अनुसार। जैसे कि आप जानते हैं, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, फिर अब वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में अरस्तु प्लेटो ने इसको कहा। एंड मन मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं-18वीं शताब्दी में पेम्पोनोजी ने, इटली के मनोवैज्ञानिक ने कहा। एंड चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने कहा। एंड व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल ने कहा। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। एंड मनोविज्ञान को वाटसन ने शुद्ध मनोविज्ञान, निश्चित मनोविज्ञान भी कहा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को कहते हैं क्या? कहते हैं दोस्तों, अभी मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइकोलॉजी, साइकी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी मतलब आत्मा, लोगस मतलब अध्ययन यानी आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? आत्मा का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा का विज्ञान कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो दोस्तों, खेल मनोविज्ञान के जनक हैं कोलमैन ग्रिफिथ, याद रखिएगा। यानी कि कोलमैन का पूरा नाम है कोलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफिथ, एक अमेरिकी खेल मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोलमैन ग्रिफिथ कहाँ के थे, तो अमेरिकी खेल मनोवैज्ञानिक थे तथा अमेरिकी खेल मनोविज्ञान के संस्थापक। ग्रिफिथ ने 1915 तक ग्रीनविले कॉलेज में अध्ययन किया और फिर इलिनोइस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन किया। नेक्स्ट दोस्तों, साइको का क्या अर्थ है? जैसे कि मनोविज्ञान जो है ग्रीक शब्द के दो शब्दों साइके और लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ आत्मा है, लोगस का अर्थ अध्ययन है, यानी कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान। तो साइके का अर्थ क्या हुआ? आत्मा। क्या हुआ? आत्मा। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस डेली बेसिस से बने रहिए, आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
आपको लगेगा ही नहीं भार, जो आपको लग रहा है भार यानी बुक पढ़ने में आपको लगता होगा कि कैसे पढ़ें, तो उस सब को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है कौन है? दोस्तों अभी मैं जस्ट बताई हूँ, आदर्शवाद का जन्मदाता है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। आदर्शवाद आइडियोलॉजी में जो विचारों पर आधारित है, तो आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है? प्लेटो। यथार्थवाद का कौन है? अरस्तु। प्रयोगवाद का कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, एंड प्रयोगवाद का है जॉन डीवी, एंड प्रकृतिवाद के जनक है रूसो। तो यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आदर्शवाद या विचारधारा धार, विचार या प्रत्यय जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। यह आत्मिक अभौतिक के प्राथमिक होने तथा भौतिक द्वितीयक होने का सिद्धांत को अपना आधार मानता है, जो उसे देश काल में जगत परिमितता और जगत की ईश्वर द्वारा रचना के विषय में धर्म के जड़ सूत्रों के निकट पहुंचता है। आदर्शवाद चेतना को प्रकृति से अलग करके देखते हैं, जिसके फलस्वरूप वह मानव चेतना और संज्ञान की प्रक्रिया को अनिवार्यतः रहस्यमय बनाता है। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलियड व ओडेसी की रचयिता हैं। जैसा कि सारे शिक्षा के इतिहास में यूनान के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। इसमें होमर काल में मुख्य कवि थे नेत्रहीन कवि होमर, जिन्होंने इलियड व ओडेसी नाम के कविता को लिखा था। ये नेत्रहीन कवि थे और इनकी तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है, इस इलियड और ओडेसी की। यानी कि होमर जो है यूनान के ऐसे प्राचीनतम कवियों में से एक है जिनकी रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं और जो बहुमत से यूरोप के सबसे महान कवि स्वीकार किए जाते हैं। वे अपने समय की सभ्यता और संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम माने जाते हैं। अंधे होने के बावजूद उन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की, इलियड और ओडेसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महान ग्रंथ इलियड और ओडेसी की रचयिता है, वही क्वेश्चन है, कितने हैं? होमर हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो। कौन है? रूसो। प्रकृति का जनक रूसो को माना जाता है। प्रकृतिवादी विचारक बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। किसको? बुद्धि को। परंतु उनका विचार है कि बुद्धि का कार्य केवल बाह्य परिस्थितियों तथा विचारों को काबू में लाना है जो उसकी शक्ति से बाहर जन्म लेता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन इत्यादि की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों मनोविज्ञान का जनक विलियम उंट को माना जाता है, एंड आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रुडॉल्फ गोइकिल ने किया था, जैसे पिछले वीडियो में आपने जाना है। एंड विलियम उंट का पूरा नाम विलहेम मैक्स विलियम उंट था। इनका जन्म 16 अगस्त 1832 जर्मनी में हुआ था, यानी जर्मनी के थे। ये जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक तथा अध्यापक थे जिन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से आपको मिलान करना है, जैसे कि खेल के सिद्धांतिक धारणाओं से है, आप तुरंत इसको मिलान कर सकते हैं। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी यानी भविष्यदर्शी की धारणा, यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन है जिसमें से तीन सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपको पकड़ा गया, सरप्लस एनर्जी थ्योरी को दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, जबकि यहाँ पे कार्ल ब्रूस दिया हुआ है, इसलिए कार्ल ब्रूस नहीं होगा क्योंकि कार्ल ब्रूस ने भविष्यदर्शी धारणा दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा, और सब सही है, कैथेटिक थ्योरी यानी कि रेचन ब्रेचन धारणा दिया है अरस्तु, ये राइट है। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी यानी कि पुनः अवलोकन धारणा स्टेनली हॉल ने दिया है, ये भी राइट है। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी यानी कि सहज प्रवृत्ति धारणा दिया है मैकडूगल ने, ये भी राइट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर
खेलों तथा सारी क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, यह कथन है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर के बंस दिया है, लेकिन इसका आंसर के जॉन लाउथर होगा। क्या होगा? जॉन लाउथर होगा। यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया है दोस्तों। इस बुक में आप सोचते होंगे कि सभी गलत है, नहीं, 100 क्वेश्चन एकाध गलत हैं, तो ऐसे तो सभी बुकों में होता है, तो उसके लिए आप डिस्टर्ब मत होइएगा। जो भी गलत है मैं उसको सही कर दे रही हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 में मिलान करना है, तो इसमें आपको, आप नहीं पढ़े हैं इस चीज़ को, तो इसको मैं मिलान कर देती हूँ। यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, उसके अनुसार मिला दे रही हूँ। यानी कि ए है मनोदशा प्रोफाइल, मनोदशा प्रोफाइल संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि मैक्स लेयर लार की और ड्रॉप डॉपलमैन से। बी है खेल संबद्धता, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी से, स्मिथ सूर्ज स्मॉल और प्लेसेक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 3 से संबंधित है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी किसे संबंधित है? बी 3 से, ठीक है। खेल संबद्धता किसे संबंधित है? खेल संबद्धता संबंधित है लांडर और लुसचेन से। उसके बाद सी जो है वह संबंधित है 1 से। सी है स्थिति लक्षण दुश्चिंता सूची, ये संबंधित है स्पीलबर्ग गोरसच और लुसेन से। चौथा है डी है एथलेटिक सामना करने कौशल सूची 28, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि स्मिथ सूर्य स्मॉल और प्लेसेक। तो ये क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उसके बाद फटाफट से मिलाते हैं। ए है स्वतः साधक भविष्य युक्ति, स्वतः साधक भविष्य युक्ति, इसका हो जाएगा ए का 3, यानी कि कुछ होने की आशा करना जो वास्तव में इसके होने की में सहायता करता है। यानी कि हम भविष्य में आशा करते हैं कि ऐसा होगा, ये भविष्य युक्ति है, इससे आप अपने से अनुमान लगा के मिला सकते हैं। बी है आत्मसम्मान, इसका हो जाएगा 4th ऑप्शन आत्मसम्मान, यानी कि स्वयं में गर्व का अनुभव करना जिसमें वह अपनी अपूर्णता के प्रति सजग होता है तथा उसे स्वीकार करता है जो उसकी अंतर्निहित शक्तियों तथा सकारात्मक गुणों को संजोए रखता है। सी है आत्मबिंब, जिसका सही है ऑप्शन नंबर 2, आपके अनुभव चिंतन और भावनाओं के कुल योग को प्रतिबिंबित करता है आत्मबिंब। 4th डी है आत्मधारणा, जिसका होगा ए ऑप्शन राइट, यानी कि अपने पर्यावरण की व्याख्या करके अनुभव करने के अनुभव के माध्यम से स्वनिर्माण का प्रत्यक्ष ज्ञान ही आत्मधारणा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं मिलाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्ले सिद्धांत है, तो खेल थ्योरी कौन है दोस्तों इसमें? जैसे कि विरेचन धारणा, जिसको दिया है अरस्तु ने, मनोविश्लेषणात्मक धारणा, जिसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने, तो 1 और 3 यहाँ पे खेल सिद्धांत यानी प्ले थ्योरी है और सब नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम का दर्शन क्या है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का दर्शन वास्तविकता या वाद यानी प्रयोगवाद है, जिसके जनक जॉन डीवी हैं। यानी कि वास्तविकतावाद या प्रयोगवाद के प्रवर्तक संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा शास्त्री मनोविज्ञानी जॉन डीवी थे। प्रयोगवाद कार्यों, खेल, शरीर और मस्तिष्क को अलग इकाई न मानकर उन्हें समन्वित इकाई के रूप में देखता है। तो इस प्रकार शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? वास्तविकतावाद है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का दर्शन आधारित है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का दर्शन जो है व्यवहारवाद से संबंधित है, बट यहाँ पे संकलन दर्शन दिया है, इसलिए यहाँ पे संकलन दर्शन सही हो जाएगा। जब संकलन दर्शन नहीं दिया रहेगा तो व्यवहारवाद प्रयोगवाद आपका राइट रहेगा।
यानी कि विभिन्न दर्शन को मिला करके इस विषयों को सम्मिलित करके शारीरिक शिक्षा सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पे संकलन दर्शन राइट होगा। यानी कि शारीरिक शिक्षा तथा दर्शन की अलग अलग व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना तथा उसके जीवन को विकसित करना है। ऐसी दशा में कहना उचित ही होगा कि दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध ही नहीं है, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, वे शिक्षा के विशुद्ध स्वास्थ्य को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा व्यवहारिकतावाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यवहारिकतावाद यानी कि प्रयोगवाद, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। यानी कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है, तो आदर्शवाद यानी आइडियोलॉजी में आपका राइट हो जाएगा। नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास होता है शारीरिक शिक्षा का आदर्शवाद से। लेकिन शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है, तो व्यक्तिवाद यानी प्रयोग, व्यवहारिकतावाद यानी कि प्रयोगवाद, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। तो दोस्तों आज के सेशन में, वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी और उसका समाधान करने की भी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचता रहे, जिससे मुझे भी कुछ हेल्प हो सके और मैं और मोटिवेशन के साथ आप सबके लिए वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।